नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने ट्रू फैक्ट चैनल के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के प्रश्नों की दूसरी कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हमारा जनरल नॉलेज का जो प्रश्न है ये काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यूजफुल है, काफ़ी उपयोगी है। ये SSC, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए उपयोगी है। ये आपके कोर्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे इस वीडियो को जब भी फुर्सत मिले बार बार सुने, जिससे कि आपको याद हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो निर्बाध रूप से आपको मिलता रहे। सामान्य ज्ञान, सबसे पहले भारत के इतिहास। तोमर, मैं किसी मुख्य प्रश्न को दो बार रिपीट करूँगा, जिससे कि आपको याद हो जाए। तोमर वंश का संस्थापक राजा अनंगपाल था। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टॉड को माना जाता है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण हिंदूशाही राज्य के विरुद्ध किया था। फिरदौसी मोहम्मद गजनवी का राजदरबारी कवि था। ये इंपॉर्टेंट है। वाहिद का युद्ध महमूद गजनवी तथा आनंदपाल के बीच हुआ। राजपूत काल 6वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। मीर भोज का पुत्र महेंद्रपाल था। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। दिल्ली का पूरा नाम दिल्ली का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया। सुबुक्तगीन मोहम्मद गजनवी का पिता था। हिंदुशाही राज्य की राजधानी उदभांडपुर थी। जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना नरसिंह प्रथम ने किया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। प्रसिद्ध हिंदू पुस्तक दाय भाग की रचना जीवित वाहन ने किया था। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। भारत में मुस्लिम शासन और किनी मोहम्मद गौरी ने डाला था। भारत में दिल्ली सल्तनत की राजधानी फारसी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उसे पूरा इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने किया। सांकेतिक मुद्रा का उच्चारण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इब्न बतूता मोरक्को से भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। भारत में बाजार मूल्य नियंत्रण की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बर्बन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया था। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का सबसे ज़्यादा विकास करवाया था। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए एक नए पैमाने गजे सिकंदरी को प्रचलित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सट्टा में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब था। मोहम्मद गौरी के जीते के प्रदेशों की देखभाल कुतुबुद्दीन ऐबक करता था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है।
तैमूरलंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में हमला किया था। तैमूरलंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में हमला किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। संगीत की कवाली शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी मलिक कहलाता था। भारत में पोलो खेल का आरंभ तुर्कों के समय हुआ था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में किया था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले बुलंदशहर का इक्तादार था। प्राचीन भारत का इतिहास आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। यह प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी गुलुखी उपनाम से कविता लिखता था। गुलुखी उपनाम से कविता लिखता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उपनाम अबुल मजाहिद रख लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगन खेलते समय हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक को भारत का बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया था। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना बनाई थी। बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने अफगान सत्ता की स्थापना किया था। बिलग्राम के युद्ध में को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह मुबाइना पुस्तक में है। ईरानी शाह और मुगल शासकों का झगड़ा कंधार ने किया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। औरंगजेब की सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर के शासनकाल में दसवंत सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। इतामद उद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, जिसे उसे नूरजहां ने बनवाया था। अकबर को कठाभर नवानी की उपाधि तानसेन ने दिया था। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है। उसकी आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफगान की राजधानी फरगना में हुआ था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर फरगना का शासक 1495 ईस्वी में बना था। उस समय फरगना उज्बेकिस्तान में था। इलाही शमोत की स्थापना अकबर ने किया था। मयूर सिंहासन का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने किया था। खानवा का युद्ध राणा सांगर तथा बाबर के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं नामा की रचना गुरबदन बेगम ने किया था। गुरबदन बेगम ने किया था। हिंदुस्तान में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी किया था। इम्पोर्टेंट है। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था।
पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच सन 1556 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच 1549 में हुआ था। हुमायूं ने बिलग्राम का युद्ध सन 1540 ईस्वी में किया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। राजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। गैर मुस्लिम पर लगने वाले जजिया पर अकबर ने हटाया था, जजिया कर अकबर ने हटाया था। गैर मुस्लिम पर लगने वाला जजिया कर अकबर ने हटाया था, ये इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह रोड कोलकाता से अमृतसर जाता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। औरंगजेब का राजाभिषेक दो बार हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में हुई थी। अकबर का राज्याभिषेक करानौर में हुआ था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद यासी ने किया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ताजमहल बनाने वाले प्रमुख वास्तुकार उस्ताद ईसा खान थे। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। हल्दीघाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में मुगलों और राणा प्रताप के बीच हुआ था। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। भामचंद्र चरित्र की रचना सिद्धचंद्र ने किया था। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। औरंगजेब के समय मुगलों के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्र था। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। प्राचीन भारत के इतिहास में हुमायूं का गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुमायूं गद्दी पर 1530 ईस्वी में आया था, प्राचीन भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। आइनी अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। नादिर शाह ने भारत पर 1740 ईस्वी में आक्रमण किया था। हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। रानी दुर्गावती अकबर के समय शासन करती थी। धर्मद का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोड़ के बीच 1628 ईस्वी में हुआ था। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इम्पोर्टेंट है। शेरशाह के समय भू राजस्व की दर उपज का एक तिहाई था। जागीर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है। जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था। बाबर पंजाब से होकर भारत में आया था। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता शेरशाह सूरी था। पट्टा और कबूलियत की प्रथा का जन्मदाता शेरशाह सूरी था। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 ईस्वी में पूरा हुआ था। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। महान संगीतकार तानसेन अकबर के दरबारी थे। बौद्ध विहार का नकल करके अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। मुस्लिम विद्वान अब्दुल रहीम खान ए खाना का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। नूरुद्दीन की उपाधि शाहजहां को दी गई है, नूरुद्दीन शाहजहां। सूफी सिलसिले मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। शेख सलीम चिश्ती अकबर का समकालीन थे। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के युवा काल में उसका संरक्षक बैरम खां था। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब राजा बनने से पहले दक्कन का गवर्नर था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया। बाबर अपने उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था।
शाहजहां के गुण समंदर की उपाधि ग्रहण किया था। शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि ग्रहण किया था। भागवत गीता रामायण का फारसी अनुवाद दारा सिको ने करवाया था। भागवत गीता और रामायण का फारसी अनुवाद दारा सिको ने करवाया था। दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था। श्रीनगर में स्थित शालीमार और निशांत बाग जहांगीर द्वारा निर्मित है। जहांगीर ने निशार नामक सिक्के को प्रचलित किया था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। न्याय के लिए शाहजहां ने अपने महल में सोने की जंजीर लगवाया था। महिला सूफी संत राबिया बसरा में रहती थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने कैद कर लिया था। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। रामानंद ने भक्ति आंदोलन में दक्षिणी भारत से लाकर उत्तरी भारत में प्रचार प्रसार किया था। असम में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार का कार्य शंकर देव ने किया था। बीजक के रचनाकार कबीरदास थे। संत तुकाराम मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। रामदास ने अमृतसर शहर का स्थापना किया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव का जन्म स्थल तलवंडी को अब ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख गुरु रामदास ने पंजाबी भाषा और भाषा के लिए गुरुमुखी लिपिकरण शुरुआत करवाया था। सिख गुरु रामदास ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करवाया था। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक शंकराचार्य ने किया था। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख संत थे। सिखों का प्रथम प्रमुख त्यौहार वैशाखी है। कबीरदास का जन्म लड़तारा काशी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। संत रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता था। कबीरदास की मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। दास बोध की रचना कर रामदास है। निपक नामक धर्म आंदोलन दादू दयाल ने चलाया था। रैदासी संप्रदाय की स्थापना संत रैदास ने किया था। संत रैदास रामानंद के शिष्य थे। मीराबाई राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। मुगल शासक मोहम्मद शाह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। मुगल शासक मोहम्मद शाह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने सन 1336 ईस्वी में किया था। हरिहर और बुक्का ने संत माधव विद्यारण्य से प्रभावित होकर विजयनगर राज्य स्थापित किया था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। विजयनगर का राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। विजयनगर राज्य का कालीकट स्थान गलीचा निर्माण का प्रसिद्ध था। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। वह 1509 ईस्वी में विजयनगर राज्य के राजा बने। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में थी। बहमनी राज्य को उसके चरम तक महमूद गावा ने पहुंचाया। महमूद गावा को टोडरमल का पुरोगामी कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। हम्पी का संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय और कुतुबुद्दीन के बीच हुआ था।
गोलकंडा का युद्ध सॉरी गोलकंडा का युद्ध कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था, कुली कुतुब शाह। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। खानदेश राज की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने किया था। विजयनगर की मुद्रा का नाम पेगोडा था, विजयनगर की मुद्रा का नाम पेगोडा था। देवराय द्वितीय ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था। देवराय द्वितीय ने गज व्यक्तिकर उपाधि ग्रहण किया था। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराज के नाम भी कहा जाता है। महमूद देवराय गुजरात का प्रसिद्ध राजा था। लिपाक्षी को स्वयं का अजंता कहा जाता है। कृष्णदेव राय को का राजा कवि पेदन्ना था। कृष्णदेव राय का राज कवि पेदन्ना था। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है, गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। संगम वर्ष का प्रमुख शासक देवराय प्रथम था। तुंगभद्रा नदी के पर बांध देवराय प्रथम ने बनवाया था। विजयनगर राज्य के अवशेष हम्पी में प्राप्त हुए। जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। विठल स्वामी मंदिर के में भगवान विष्णु की पूजा विठल स्वामी के नाम से की जाती है। बामनी साम्राज्य का बरार राज्य सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। बामनी साम्राज्य का बरार राज्य सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। बामनी राज्य की मुद्रा हुन था। हुमायूं शाह को जाली शासक के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। चार मीनार का निर्माण वली कुतुब शाह ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के में आठवन भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में आठवन भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलाद नामक काव्य की रचना तेलुगु में किया था। वीर पांचला का अर्थ अवजात वर्ग होता है। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था। बामनी शासन काल में रूसी यात्री निकितिन आया था, निकितिन। हरविलास की रचना श्रीनाथ ने किया था। अंदरंग का अर्थ जागीर होता है। कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का आदर पितामह कहा जाता है। देवराय प्रथम संगम वर्ष का प्रमुख शासक था। विजयनगर राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार नाम से जाना जाता था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित काफ़ी महत्वपूर्ण है। अदीना मस्जिद बंगाल का जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विजयनगर में वर वधु से कर लिया जाता था। कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में जैनपुर राज्य स्थापित हुआ था। बामनी राज्य में कुल 18 राजाओं ने शासन किया था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राय ने किया था। विजयनगर राज्य का प्रसिद्ध विठल मंदिर हम्पी में स्थित है। मराठों का इतिहास, मराठा साम्राज्य। अभिनव भोज की उपाधि कृष्णदेव राय ने ग्रहण किया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है। गुरला युद्ध के जन्मदाता शिवाजी थे। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। मराठों ने यादवों के अधीन कार्य करने करके अनुभव प्राप्त किया था। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के संरक्षक और गुरुदादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में सन 1666 ईस्वी में गए थे। शिवाजी के आय का मुख्य स्रोत चौथ था। मराठा शासनकाल में सारे नौबत का सेनापति होता था। मुगलों के कैद से भागने के समय शिवाजी आगरा के जेल में थे। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू कहा था। शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% राजस्व के रूप में वसूला जाता था। शिवाजी की मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि मराठों और मुगलों के बीच हुई थी। मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में हुआ था। सरेजामी तथा मराठों से संबंधित है। ग्वालियर की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। झलकी की संधि बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। शिवाजी से युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था।
पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद साहब दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच सन 1761 ईस्वी में हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद साहब दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच सन 1761 ईस्वी में हुआ था। हम अपने अगले वीडियो में भारतीय इतिहास के कुछ और विषय पर आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।